राधे राधे, हरे कृष्णा। गाइस, मैं आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं वृंदावन से हूँ और मेरा तो बर्थ ही वही हुआ है। हम लोग शुरू से वहीं से हैं। और आप ऐसा तो जानते ही हैं, आप लोग को वृंदावन जाने के लिए तो सभी लोग तरसते हैं। वो ऐसी एक मतलब पावन नगरी है हमारे कान्हा की, जहाँ पे हमारे कान्हा की बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि इतनी मनमोहक है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। तो लोग वृंदावन जाते हैं खुश होके, लेकिन वहाँ से दुखी होके आते हैं, रोते हुए आते हैं कि अब हमें बाकी बिहारी कब बुलाएंगे, कब दर्शन होंगे हमारे कान्हा के, कब हम वो पल बिताएंगे इन गलियों में, कुंज गलियों में, यमुना के किनारे, बाकी बिहारी राधा रानी के चरणों में। इतनी पावन नगरी है, इतनी पवित्रता भरी हुई है गाइस, कि सभी लोग चाहते हैं कि वो वृंदावन जाएं और रहे, वृंदावन वास पाए। वृंदावन वास कहते हैं सभी को नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जाते हैं, लोग घूमते हैं, महीने में, सालों में एक बार लोग ज़रूर जाते हैं। आप वहाँ वृंदावन तो ऐसी जगह है कि वहाँ पे हमेशा ही भीड़ ही रहती है। आप किसी भी मंथ में चले जाएं, चाहे वो सावन हो, भादो हो, कार्तिक मास हो, कोई भी मंथ में मतलब आप वहाँ जाएंगे तो इतनी भीड़ मंदिरों में पाई जाएगी, लोग परिक्रमा करते पाए जाएंगे, भगवान के चरणों में माला जपते पाए जाएंगे। वहाँ पे इतनी मतलब कि हर मंथ में भीड़ पाई जाती है। लोग मतलब सुकून पाने के लिए कहते हैं ना कि जैसे कि लाइफ में एक मतलब एक टाइम ऐसा होता है कि हमें सुकून चाहिए होता है, जैसे कि हम एक एज की बात, तो ऐसे ही वहाँ पे इतने सारे संत, साधु, वृद्ध लोग, और ऐसे नहीं कह सकते हम स्कॉनर हैं, फॉरनर लोग हैं, न्यू न्यू लोग हैं, टीनेजर भी हैं जो कि चाहें तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो साधु, महात्मा, सब लोगों की मतलब कि इतनी सारे लोग हैं, इतने आश्रम हैं कि आप अगर आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तो आप भूखे नहीं रहेंगे। हर आश्रम में मतलब कि भंडारा, भोजन, पानी सब चलता रहता है गाइस। आप सभी एक बार वृंदावन जरूर जाएं गाइस, घूमें, आपको भी अच्छा लगेगा। वृंदावन, मथुरा, वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधि वन, रंगजी मंदिर। जैसे कि हम जानते हैं कि बांके बिहारी तो मेन मंदिरों में आता है, वैसे तो वहाँ सारे ही मंदिर मेन है, राधा कृष्ण की ही मूर्ति पाई जाएगी आपको इतनी। और लेकिन हर मंदिर की एक अलग अलग विशेषता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि निधिवन मंदिर में कहते हैं गाइस कि आज भी लोग रात के समय वहाँ नहीं जाते। वो मंदिर 6:30 बजे के बाद आपको बंद हो जाता है, निधिवन मंदिर 6:30 बजे शाम के बाद को किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के वक्त भी, इस युग में, आज के टाइम भी कृष्ण जी निधिवन में आते हैं, ऐसा सुना है गाइस हम लोग ने भी। लेकिन कहते हैं तो भगवान है भाई, कुछ भी हो सकता है, वो उनकी तो महिमा ही अपार है। लेकिन वहाँ निधिवन मंदिर में आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। एक पौधों के रूप ऐसे होंगे जैसे कि लगता है उस शेप में है, जैसे कि गोपियाँ नाच रही हैं कहते हैं, जैसे कि लीलाएं कृष्ण भगवान गोपियों के संग करते थे, वह उसी शेप में वो निधिवन मंदिर बनाया गया है। आप लोग कभी वृंदावन जाएं और तो ज़रूर मंदिरों में सारे मंदिर के दर्शन करें। प्रेम मंदिर का एक अलग ही है, वहाँ आप नाइट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नाइट में लाइटिंग की व्यवस्था है, लाइटिंग में और भी कलर कलर की लाइटिंग में वो मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वहाँ पे एक और चीज़ होती है जो कि 7 बजे के करीब होती है। आप अगर प्रेम मंदिर जा रहे हैं तो आप 6:30 बजे के करीब जाएं, 7 बजे के करीब, तो वहाँ मतलब तो लाइटिंग पे जैसे कि वाटर डांस होता है, जैसे कि वाटर पे मतलब ऐसे चित्र बने होते हैं, वाटर डांस होता है, सॉन्ग बजे रहते हैं, उसी शेप में वाटर में लाइटिंग के साथ डांस होता है। वो देखने का एक अलग ही नज़ारा, फव्वारे टाइप का होता है।
और वैसे तो वृंदावन में तो बहुत ही मंदिर है, यमुना जी है, मथुरा में जाएंगे तो हमारे जन्मभूमि है जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, द्वारिकाधीश मंदिर है। ऐसे ही ब्रज में तो बहुत सारे गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, अगर आप लोग जाए तो 2-3 दिन का टाइम लेके ज़रूर जाए और अच्छे से पूरा स्टे करके घूमें वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना। अगर आपको टाइम मिले आप वहाँ पे परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो वृंदावन की परिक्रमा है वो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई है नहीं लेकिन वहाँ तो डेली ही परिक्रमा चलती रहती है, अगर आपको इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो वहाँ बहुत सावधान होके जाएं क्योंकि वहाँ के बंदर बहुत ही बदमाश हैं, रोड पे चलते लोगों के फ़ोन, चश्मे, पर्स कुछ भी ले लेते हैं गाइस। वो मानते किससे पता है आपको, उनको अगर आप एक फ्रूटी का वो दे देंगे तो उससे ही वो मानेंगे। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर वहाँ पे आप रास्ते में फ़ोन अपना ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जिसको पता नहीं है वो फ़ोन लेके भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, वो पीछे से आएंगे आपका और फ़ोन लेके चले जाएंगे, फ़ोन, पर्स, मतलब इतने परेशान करते हैं, चश्मे। इसीलिए आप जाएँ तो सावधान होके जाएगा गाइस। राधे राधे।